साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि लोन की किस्त नहीं भर पाने पर जब रिकवरी गुंडे धमकाए बदसलूकी करे तो क्या करें। आप लोन भरना चाहते हैं इसीलिए आप टाइम देते हैं, दो दिन में भर दूंगा, चार दिन में भर दूंगा, छह दिन में भर दूंगा। आपको ये पता ही नहीं दो दिन बाद पैसा कहां से आएगा, चार दिन बाद पैसा कहां से आएगा, कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि चार दिन में भर दूंगा, छह दिन में भर दूंगा। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, एनबीएफसी बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपके पास आ रहे हैं। क्यों आते हैं? रिकवरी एजेंट इसलिए आते हैं कि उनको भी उस काम की सैलरी और रिकवरी पे एक बेहतर इंसेंटिव मिलता है। वो अपना काम कर रहे हैं, वह आके आपसे सलीके से बात करें, आपसे मिले, सम्मान दे, आप भी उनको सम्मान दे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि रिकवरी एजेंट्स सीधे के सीधे गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। जींस की पैंट टी शर्ट पहनकर, गले में एक आधी चेन लटका कर, अपने उंगली में चाबी का छल्ला घुमाते हुए, साथ में दो लठंगे पीछे भी आ जाते हैं दादागिरी कर। अब आप क्या सोचते हैं कि अभी घर आ गए, अभी माता फोड़ी करेंगे तो मैं चुप हो जाता हूं, चुपचाप बात कर लेता हूं, उनसे बड़े डरते हुए बात करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि किसी भी रिकवरी एजेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह आपके साथ बदसलूकी करे। लोन आपने लिया, आप घर पे नहीं हो, आपके घर वालों को परेशान करे। यदि वह आपको परेशान करे तो सीधा कैमरा ऑन करो, उनकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दो। यदि वह बदसलों की बदतमीजी करे तो सीधे 112-100 नंबर पर फोन करो, पुलिस का जाप्ता आ जाएगा। अब आप सोचते हो कि मैंने तो लोन भरा ही नहीं, मैं तो डिफॉल्टर हूं, पुलिस मेरा सपोर्ट क्यों करेगी? अरे भाई, लोन डिफॉल्ट हो गया है, सिविल राइट्स है, सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है। नहीं भर रहे हो, भर पा रहे हो, कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन कोई व्यक्ति आपके घर में आके न्यूसेंस कारित करे, आपके वर्कप्लेस आके न्यूसेंस कारित करे, आपको अभद्र भाषा में बात करे, धमकियां दे, फोन पे धमकाए, ये इनका अधिकार नहीं है। और ऐसे मामलों में आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यदि आप डर के रहे ना तो ये रोज डराएंगे। और अगर आप उनसे निपटना चाहते हो, सीधा कैमरा ऑन करके उनकी रिकॉर्डिंग करना चालू कर दोगे ना, सीधे भागते नजर आओगे। और ऐसी कोई रिकॉर्डिंग हमें भी भेजिए ताकि हम यूट्यूब पर भी डालें, ताकि इनके क्या हुआ है, जब से यूट्यूब चैनल पर लोन डिफॉल्टर के हक से, हक के लिए लड़ने वाले कुछ योद्धा क्रांतिवीर जब से आ गए ना, तब से लोन डिफॉल्टर को वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट की बैंड बज गई है। कोई लोन रिकवरी एजेंट बिना डीआरए लाइसेंस, बिना आइडेंटिटी कार्ड, बिना विजिटिंग लेटर आपके घर पर नहीं आ सकता। यह अधिकार आपको जानने चाहिए। सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद आपके घर पर नहीं आ सकता है, ये अधिकार आपको जानने पड़ेंगे। आपको धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता है, जबरदस्ती किसी कागज पर साइन नहीं करा सकता है, घर का कोई सामान नहीं उठा सकता है। लोन नहीं भरा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदसलूकी नहीं कर सकता है, आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है, एफआईआर दर्ज करा सकते हो इनके खिलाफ। तो साथियों घबराए नहीं, यदि गुंडा बदमाशी करे ना तो आपको भी अपना रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा। कैमरा ऑन कर लो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लोन डिफॉल्टर से जुड़े कई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट है, आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी इस चैनल पे विजिट कर लीजिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी आपको बात करनी हो ना तो ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पे कॉल बुक का टेक्स्ट मैसेज कर दो, कॉल बुक होगी, आपको फोन आ जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हर चीज का समाधान आपको देने की कोशिश की जाएगी। और यदि आपका कोई साथी लोन के दलदल में फंस चुका है, मन में गलत विचार ला रहा है, उसके साथ ऐसी बदसलूकी हो रही है ना, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो अपने अधिकार जान पाए और कम से कम कोई गलत कदम नहीं उठाए। शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।